हाँ जी, तो वेलकम बैक हो गया आप सबका इस न्यू व्लॉग में। वेलकम बैक टू ट्रैवल विद जिलानीज। और अभी आपने जो एंट्रेंस देखी है, मैं इस टाइम कलकनली में हूँ और ये है जी मिडल ईस्टर्न टेक्निकल यूनिवर्सिटी मीटू। और टर्किश में O2 है, पर इसका मुझे फुल फॉर्म नहीं पता कि टर्किश में क्या है, तो मैं आपको थोड़ी सी यूनिवर्सिटी विजिट कराता हूँ। तो नीचे से ऊपर की तरफ हम इस तरह जाते हैं। और बस मैं आपको ये पूरा एक रिव्यू दूंगा इस यूनिवर्सिटी का, दिखाऊंगा आपको कि क्या सिस्टम है इधर। पहले यहाँ पर झंडे लगे हुए थे काफी सारे मुल्कों के, जो जो स्टूडेंट्स इधर पढ़ रहे हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स भी हैं, जापान के स्टूडेंट्स भी हैं। ये इनके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं लेफ्ट साइड पे सारे। तो यानी एंटर होते ही जो फर्स्ट बिल्डिंग्स आती हैं वो ये हैं, जो इनकी इंजीनियरिंग फैकल्टी है ये सारी। और फिर आगे इनका ये ऑडिटोरियम है, ये आप देख सकते हैं। इस तरफ से जाएंगे तो डॉर्मेटरीज आएंगी। मैं अभी फिलहाल इस तरफ जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि ये लेफ्ट साइड पे फॉरेन लैंग्वेज का स्कूल है। और फिर ये यहाँ पर अभी ये बिल्डिंग खाली पड़ी है, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल, ठीक है। और यहाँ पर ये रेक्टर की बिल्डिंग है, यानी वाइस चांसलर होता है जैसे पाकिस्तान में। और ये सामने इधर लाइब्रेरी है और ये कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज आप कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं वापसी जा रहा हूँ उस तरफ को। और ये सामने यहाँ पर अतातुर्क साहब है, ठीक है, उसके साथ ही नीचे कैफे बना हुआ है। ये इधर नीचे से इधर कैफे है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेकेंड डॉर्म है, यहाँ पे ये इस यूनिवर्सिटी का डॉर्मेटरी है। यहाँ पर ATMs बने हुए हैं और बस स्टॉप इधर है, ये बस रुकती है इधर। और ये सेकेंड डॉर्म है, वो सामने उधर थर्ड डॉर्म है। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ ऊपर। ये वाला जो ये जो दो बिल्डिंग हैं, ये फर्स्ट डॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर ये सामने बैंक बना हुआ है और बैंक के साथ ही यूनिवर्सिटी के अंदर सुपरमार्केट है। और इसके पीछे ना इस ये जो सुपरमार्केट है, इसके पीछे इनका एयरपोर्ट के लिए जो बस जाती है कि बस, वो भी है। और उसके अलावा पोस्ट ऑफिस भी है, और उसके अलावा हेयर ड्रेसर भी है, ब्यूटी सैलून भी है। वो सब कुछ उन्होंने ना यूनिवर्सिटी के अंदर ही मेंटेन किया हुआ है। तो इस तरह का सिस्टम है इधर। ये वही वहाँ उस तरफ से लाइब्रेरी की बिल्डिंग आ गई। अब ये मैं राइट को जा रहा हूँ, तो यहाँ पर अब ये सारे जो है ना यहाँ की फैकल्टी के वो शुरू हो गए हैं, जो घर प्रोवाइड किए होते हैं प्रोफेसर्स को। तो ये सारा ये सारे अब इनके लॉजिस शुरू हो गए हैं। जो भी प्रोफेसर है वो यहाँ पर मुकीम है, उनको यानी एकोमोडेशन प्रोवाइड की हुई है यूनिवर्सिटी ने। इस तरह की पार्किंग है और साथ में उनके घर हैं। बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है ये। तो बस मैं कुछ और मिलता है तो फिर आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। हाँ जी, तो अब देखें आपके, अगर मैं यहाँ से सीधा जाऊंगा तो यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी और मैं दूसरी तरफ से उस गेट से आया था और दूसरी गेट से निकल आऊंगा। पर मैं फिलहाल इधर से ही जा रहा हूँ क्योंकि आगे कुछ खास नहीं है, तो आपको यहीं पर दिखाऊं चीजें जो भी देखनी है। तो ये जो बिल्डिंग है, ये यहाँ का हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी का, ये यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है। और ये साथ ही इसके ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना हुआ है इधर, ये बास्केटबॉल कोर्ट और टेनिस शेनिस यहाँ पर है, ठीक है। और इसके साथ ही में यहाँ से जो लेफ्ट रोड जा रही है, उधर नीचे एक और डॉर्म है, तो डॉर्मेटरी बस रहने की जगह है, आपको पता तो चल ही गया उसके बारे में। और ये आप देख लें कि ये भी मेरा ख्याल है, नहीं ये सॉकर ग्राउंड है, तो यहाँ पर लोग सॉकर खेलते हैं, ठीक है। और ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये फर्स्ट डॉर्म है, ठीक है। और ये थर्ड डॉर्म हो गया, ठीक है, थर्ड डॉर्म, और वो सामने वही फर्स्ट डॉर्म है। तो कुल मिला के बात ये है कि जैसे मैं बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ मुल्तान, तो ये उतनी बड़ी तो यूनिवर्सिटीज नहीं है। देखिए अब ये कैफे भी है इधर,
ये कैफे बना हुआ है यूनिवर्सिटी का, और फिर इधर हर डॉम के अंदर भी कैफे है, तो वो भी कभी मैं अंदर गया तो फिर अंदर से भी दिखाऊंगा आपको कि क्या सिस्टम है, फिलहाल मैं अंदर नहीं जा रहा। तो जो है कैफेज और यहाँ पर क्लब्स बने हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो यानी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फुल फैसिलिटी है, और कलकनली पूरा एक स्टूडेंट टाउन है बड़ा, ठीक है। और सिर्फ अंदर ही स्टूडेंट्स नहीं रहते, बाहर भी प्राइवेट घर वर लेके वो वहां पर भी रहते हैं, तो इस तरह का सिस्टम है इधर। बाकी आप देखेंगे खूबसूरती, कितना प्यारा नजारा आता है इधर यूनिवर्सिटी से, बहुत खूबसूरत है। ये देखें सामने, देखें यहाँ से वो सामने उधर समंदर नजर आ रहा है, पता नहीं कैमरे में अभी खास नजर आ नहीं रहा, लेकिन वो सामने उधर समंदर है और उधर ही वहां पर लेफ्ट के है, और ये कलकनली है, इतना दूर है फिर भी क्लियरेंस देखें आप, एयर क्वालिटी कितनी अच्छी है, दूर दूर तक आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी माशाल्लाह बादलों ने क्या नजारा बनाया हुआ, अल्लाह पाक की कुदरत है ये, सुभान अल्लाह, ठीक है। बस अब मैं वापस जा रहा हूँ नीचे की तरफ, और गुजैली उठ जाऊंगा यहाँ से, तो बस यार मजे की लाइफ है इधर, तो आप भी अगर आएंगे इंजॉय करेंगे। और ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, मिडल ईस्टर्न टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बोर्ड टू इसको टर्किश में कहते हैं, और इसका मुझे खास ज्यादा नाम पता नहीं है। तो बस ये आपको एक छोटा सा मैंने दिखा दिया कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे कहीं और किसी और जगह पे। देखो जी कौन आया है, शमस भाई जाग गए हो आप, नींद खुल गई आपकी या अभी भी नींद में हो? नींद में कुछ और ऐसा वैसा तो नहीं देख लिया? कुछ तो देख लिया लगता है, जो नींद नहीं जा रही आपकी। बच्चा मेहनत कर रहा है, मैंने आप बोला है ना इसके लिए दुआ करें वरना पास तो ये नहीं होता। पास तो हो जाएंगे। हो जाओगे कैसे? माँ की दुआ है इसलिए। वाह जी वाह, आए आए, माँ का नाम सुन के याद आ रही है मम्मा की, वो तो आपको देख रही हैं। क्या बोलेंगे आप मम्मा को? नहीं देखती? कैसा दोस्त है तू मेरा, तूने घर में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाया? यार ये मेरा अच्छा दोस्त है, मैं इसकी बेस्ती बुस्ती करता हूँ, थोड़ा इग्नोर कर दिया करो, लेकिन ये है मेरा बहुत अच्छा दोस्त, अल्लाह आपको खुश रखे। प्रमोशन का तरीका समझ रहे हैं? तो मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ तो आप कर दो ना, क्यों नहीं करते सब्सक्राइब? क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना, बस यही बात है।